इस वीडियो में आंखों को भ्रम में डालने वाले ऐसे ऐसे ऑप्टिकल इल्यूजन्स देखोगे कि कुछ देर के लिए आपको एकदम तगड़ा वाला हिल्यूसिनेशन हो जाएगा। आपको आपकी देखी हुई चीजों पर यकीन ही नहीं होगा। वीडियो के एंड में आपको एक ऐसा इल्यूजन दिखाया जाएगा जो पूरे इंटरनेट पर छाया हुआ है, क्योंकि उस ऑप्टिकल इल्यूजन में छिपी हुई चीजों को ढूंढना बहुत मुश्किल है। काफी कम लोग उस ऑप्टिकल इल्यूजन को पूरा सॉल्व कर पाते हैं। सारे के सारे ऑप्टिकल इल्यूजन बेहद ही तगड़े हैं, जिसमें 95% लोग फंसते हैं। लेकिन क्या आप उन बचे हुए 5% लोगों में हैं? इसको पता लगाने का एक बेहद ही आसान तरीका है। इस वीडियो में आपको 20 ऑप्टिकल इल्यूजन्स दिखाए जाएंगे, तो आप कोई कॉपी या पेन ले लो या फिर कैसे भी करके ये याद रखना कि आपके पॉइंट्स कितने हुए। मान लो कि आपने कोई इल्यूजन देखा और उसमें आपका दिमाग नहीं फंसा, तो आपको मिलेंगे एक पॉइंट। यानी कि पूरे वीडियो में जितने इल्यूजन में नहीं फंसोगे आपके उतने पॉइंट्स होंगे। और वीडियो के बिल्कुल एंड में आपको कॉमेंट करके बताना है अपने पॉइंट्स, जिससे ऑफ कोर्स ये पता चलेगा कि आप 95% लोगों में से हो या फिर आप बचे हुए 5% लोगों में आते हो। नाउ लेट्स बिगिन। ओके, तो इस पेंटिंग को 19वीं सदी में जर्मनी में बनाया गया था। आपको ये बताना है कि इस पेंटिंग को देखने पर सबसे पहले आपको क्या दिखा, एक बूढ़ी महिला जो नीचे देख रही है या एक युवा जवान महिला जो यहाँ पर कहीं देख रही है? थोड़ा ट्रिकी है, आसान मत समझना। 10 सेकंड्स के अंदर अच्छे से ऑब्जर्व करके बताओ, एक बूढ़ी औरत या एक जवान महिला जो इस तरफ कहीं देख रही है। मुझे लगता है कि आपका जवाब है एक यंग लेडी जो इस तरफ देख रही है, और आपका जवाब गलत है। ये देखो, अब वापस से देखोगे इस पेंटिंग को तो शायद बूढ़ी औरत ही दिखेगी। तो मेरे सही जवाब को बताने के पहले आपको क्या दिखा था? यंग लेडी, जवाब बदलना मत और स्कोर नोट करना शुरू कर दो। इस फोटो में ये जितनी भी लाइंस बीच में हैं, ये सभी सीधी हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, ऊपर से भी और साइडवेज भी, लेकिन सिर्फ बीच में। दोनों तरफ साइड की लाइंस जो हैं वो पूरी तरीके से बिखरी हुई हैं। तो अब आपको करना ये है कि आपको बिल्कुल बीच में यहाँ पर पूरे ध्यान से 10 सेकंड्स तक बिना पलके झपकाए देखना है, फिर देखना क्या होता है। वीडियो फुल स्क्रीन पर प्ले करना है और बिना पलके झपकाए 10 सेकंड्स तक बीच में ही देखना है। शुरू हो जाओ। तो क्या आपको बीच में देखने वक्त ऐसा लगा था कि इस फोटो में जो ये साइड की बिखरी हुई लाइंस हैं, ये भी ठीक हो गई हैं, बिल्कुल एकदम सीधा? सही से ध्यान रखा होगा बीच में तो लगा ही होगा। ये इल्यूजन काफी इंटरेस्टिंग है। इस ड्राइंग में आपको ये बताना है कि इस हाथी के कितने पैर हैं। हाँ ठीक है, हम सभी जानते हैं कि हाथी के चार पैर होते हैं, पर ये कोई असली हाथी तो है नहीं, ये एक ड्राइंग है। इसलिए वीडियो को पॉज करके आराम से टाइम लेकर अच्छे से ऑब्जर्व करके बताओ कि इस हाथी के कितने पैर आपको दिख रहे हैं। और हाँ, बता दूं कि इस इल्यूजन ने साल 2016 में पूरी दुनिया को पागल बना दिया था। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि इस हाथी के कितने पैर हैं, 4, 5, 6, पता नहीं। खैर, अब कंप्यूटर रेंडरिंग की मदद से हम ये जान चुके हैं कि इस ड्राइंग में हाथी के कितने पैर हैं, पर मैं अभी बताऊंगा नहीं। देखो और कमेंट करके बताओ कि तुम्हें कितने पैर दिखे। ये इल्यूजन भी पूरे इंटरनेट पर काफी वायरल हुआ था, क्योंकि इसमें काफी लोग फंस रहे थे। इस इल्यूजन की खासियत क्या है ये थोड़ी देर में जानना, पर फिलहाल इस वीडियो एनिमेशन को थोड़ी देर के लिए देखो। ऐसा है कि ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये सभी आगे बढ़ रहे हैं, और सीढ़ी भी ऑब्वियसली ऊपर की ओर जा रही है, राइट? रॉन्ग, ऐसा नहीं है। असल में ये सारे कैरेक्टर्स और यहाँ तक कि ये सीढ़ी भी बस एक स्टिल इमेज है, कुछ भी आगे मूव नहीं कर रहा। हमें ऐसा लगता है कि ये मूव हो रहा है क्योंकि इन सभी का रंग लगातार बदलते रहता है, जिसकी वजह से हमारी आंखें धोखा खा जाती है। वाओ, आपको भी ऐसा ही लगा था क्या? स्कोर्स नोट करते रहना। इस तरह के ऑप्टिकल इल्यूजन काफी लोगों को अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसमें हमारी आंखें एक नेगेटिव इमेज को देखकर एक ऐसे इमेज में अपने आप रंग भर देती है जिसमें असल में कोई रंग होता ही नहीं है। आपको आपके स्क्रीन पर बने आंख के पुतली पर, यानी यहाँ 20 सेकंड्स तक लगातार बिना पलके झपकाए देखना है। लगातार 20 सेकंड्स तक बस यही ध्यान से देखना है, और उसके बाद मैं इस तस्वीर को हटा के एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज लगाऊंगा, यानी उस इमेज में कोई रंग होगा नहीं, पर आपका दिमाग उसमें अपने आप रंग भर देगा। शुरू हो जाओ।
तो क्या आपको भी इस ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में रंग दिखा था? बिल्कुल किसी नॉर्मल आंख की फोटो की तरह दिखाई होगा, पर ऐसा है नहीं, ये एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो ही है। अब वक्त आ चुका है आपकी आंखों को चेक करने का। इस इमेज में चार नंबर्स यानी चार अंक छिपे हुए हैं। फटाफट से देखकर बताओ कि वो कौन से चार अंक है इस इमेज में। ओके, तो अगर आपका जवाब था 3246, तो भाई अपनी आंखों को डॉक्टर से चेक करवाओ, क्योंकि ये सबसे गलत जवाब हो सकता है। 3240, 1246 भी गलत है। सही जवाब होगा 1240। अगर आपने 1240 पढ़ा था तो आपकी आंखें बहुत शार्प है, बहुत तेज है। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भेज कर देखना कि आखिर उन्हें कौन से नंबर्स दिखते हैं। ओके, तो पिछला वाला शायद उतना टफ नहीं था और उसमें काफी लोगों के पॉइंट बड़े भी होंगे, पर ये है टफ वाला जिसमें मुझे भी काफी दिक्कतें हुई थी। इसमें बताओ कि कौन से डिजिट्स लिखे हुए दिख रहे हैं, कौन से नंबर्स दिख रहे हैं। ये काफी टफ है और इसका जवाब मैं अभी बताऊंगा भी नहीं। आप खुद बताओ कि आपको कौन से नंबर्स दिख रहे हैं, कमेंट। ये ऑप्टिकल इल्यूजन काफी पावरफुल है। आपके स्क्रीन पर आपको दो घूमती हुई सर्कल्स दिख रही होंगी, यानी जिस दिशा में ये एरो घूम रहा है उसी दिशा में ये सर्कल्स भी घूम रही हैं। और हाँ, ये दोनों ही सर्कल्स आगे पीछे भी हो रही हैं और छोटी बड़ी भी। ऐसा अगर आपको लगा तो इस इल्यूजन में आपका पॉइंट नहीं बढ़ेगा ब्रो। एक्चुअल में ये दोनों ही सर्कल बिल्कुल एक जैसी हैं और ये बिल्कुल भी नहीं हिल रही है। दोनों का साइज भी बिल्कुल एक जैसा ही है, बिल्कुल सेम है। ये जो एरोज आपने देखे थे और इन रंगों के अलग अलग पैटर्न की वजह से आपकी आंखें इस इल्यूजन में पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गई और उसे लगने लगा कि ये दोनों अलग अलग हिल रहे हैं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा ये ज्योमेट्रिकल फिगर काफी खास है। गौर से देखकर आपको ये बताना है कि ये जो डायगोनल लाइन है क्या वो इस डायगोनल लाइन का आधा है, यानी ये लाइन इस लाइन से दोगुना बड़ा है या फिर कुछ और। असल में आपको ऐसा लगा होगा कि ये लाइन इससे छोटा है, पर ऐसा है नहीं, ये बस दिमाग का भ्रम है। दोनों ही लाइन बिल्कुल सेम लेंथ की है, बिल्कुल सेम है। इस इल्यूजन को वैज्ञानिक सैंडर्स इल्यूजन कहते हैं और इस ज्योमेट्रिकल फिगर को कहा जाता है सैंडर्स पैरेललोग्राम। इस इमेज को आपको गौर से देखकर ये बताना है कि आखिर इस इमेज में क्या अलग है। काफी आसान है अगर गौर से देखोगे तो। तो क्या इस इमेज में कुछ अलग दिखा? असल में इन लड़कियों को तो देखते रह गए होगे, पर देखना था उनके पीछे। तो अब पता चला ये सारे लोगों का चेहरा एक ही है, सभी के चेहरे सेम हैं। इस इमेज को फोटोशॉप पर एडिट करके ऐसा बनाया गया है, यार इसमें तो एक पॉइंट बड़ा ही होगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि अभी इस वीडियो में आगे और भी तगड़े इल्यूजन्स देखने को मिलेंगे जिन्हें देखकर आप लाइक करना भूल जाओगे। इसलिए इस वीडियो को अभी लाइक कर दो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। नाउ यहां पर आपको काफी सारे अलग अलग डिजाइन के ऑब्जेक्ट्स रखे हुए दिख रहे होंगे। इन सभी ऑब्जेक्ट्स का डिजाइन एक दूसरे से अलग है। ये स्क्वायर शेप का है, ये राउंड है और ये भी। पर पता है, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये सभी एक शीशे के सामने रखे हुए हैं और ये जितने ऑब्जेक्ट्स यहाँ आपको दिख रहे हैं ये इन्हीं ऑब्जेक्ट्स की मिरर इमेज है, यानी शीशे में बनी इमेज है, तो आप मेरी बात मानोगे? वेल, मानना ही पड़ेगा क्योंकि यही सच है। पर यार ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब इनका शेप बिल्कुल अलग है और शीशे में बने इमेज का शेप बिल्कुल अलग। ऐसा तो नहीं होता कि आप आईने के सामने अपने आप को देखते हो तो आपको कोई और ही दिखता है? वेल, ऐसा इसलिए है क्योंकि इन सभी का शेप, इनका जो आकार है, वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर उन्हें शीशे के सामने रखा जाए तो उनका शेप हमें अलग दिखता है। इन ऑब्जेक्ट्स की शेप को काफी अच्छे इंजीनियर्स ने तैयार किया है। इस इल्यूजन को स्टेपिंग फिट इल्यूजन कहते हैं। इस इल्यूजन में आपको इस येलो स्ट्रिप की और इस ब्लू स्ट्रिप की मूवमेंट ऑब्जर्व करनी है। आपको गौर से देखना है कि ये दोनों किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। सही से देखने पर आपको ऐसा लगेगा कि ये दोनों येलो और ब्लू स्ट्रिप्स ऐसे आगे बढ़ रहे हैं जैसे चलने वक्त हमारा पैर आगे की ओर बढ़ता है, पहले एक आगे जाता है और फिर दूसरा, बिल्कुल हमारे चलने की तरह, है ना? वेल, अगर आपको ऐसा लगा तो ब्रो इस इल्यूजन में आपका पॉइंट नहीं बढ़ेगा क्योंकि असल में ये दोनों पीली और ब्लू स्ट्रिप्स बिल्कुल एक साथ आगे बढ़ रही हैं। आगे पीछे नहीं, बिल्कुल एक साथ। बस इन दोनों स्ट्रिप्स के पीछे मौजूद इस बैकग्राउंड की वजह से ऐसा लगता है कि ये हमारे चलने के जैसे आगे बढ़ रहे हैं, पर ऐसा है नहीं। जैसे ही मैं बैकग्राउंड हटाऊंगा आप खुद देख पाओगे कि मैंने क्या बोला।
ये ऐसा इल्यूजन है जिसमें ज्यादातर लोग फंसते ही है, क्योंकि ये वन ऑफ द टफेस्ट इल्यूजन होते हैं। सारे जनरल इल्यूजन में इस तरह के इल्यूजन सबसे टफ होते हैं। आप भी ट्राई करके देख सकते हो। आपको आपके स्क्रीन के सेंटर में बिल्कुल बीच में गौर से बिना ध्यान हटाए और बिना पलके झपकाए 20 सेकंड्स तक लगातार देखना है। 20 सेकंड्स तक लगातार देखना, और फिर जैसे ही मैं ओवर बोलूंगा तो आपको आपके फोन के स्क्रीन पर ही एक आंधी की तस्वीर दिखाई जाएगी जो आपको हिलते हुए दिखेगी, पर वो असल में हिल नहीं रही होगी। आपको बस वैसा लगेगा कि वो हिल रही है। ध्यान से देखना, ये जबरदस्त काम करेगा। शुरू हो जाओ। ओवर। ठीक से देखा, आंधी काफी तेजी से फैल रही थी ना, लॉल। तो क्या आपको लगा कि ये सभी चीजें हिल रही थी? स्कोर्स नोट कर रहे हो ना? आपके स्क्रीन पर दिख रहे इस पैटर्न को देखोगे तो आपको कुछ खास नहीं लगेगा, क्योंकि ये स्टेशनरी है, बिल्कुल रुकी हुई है, कुछ भी हो नहीं रहा। पर जैसे ही मैं उस पैटर्न को थोड़ा छोटा करूंगा और बोलूंगा यहाँ देखने को, उस पैटर्न को सीधा मत देखो, बस तिरछी नजर से हल्का हल्का देखो, असली ध्यान यहाँ रखो खाली एरिया में, उस पैटर्न को बस हल्का तिरछी नजर से देखो तो आपको वो हिलता हुआ दिखेगा। ये इल्यूजन काफी सिंपल है। आपको किसी और चीज पर ध्यान नहीं देना है। आपको बस इस बीच में बने हुए हरे यानी ग्रीन डॉट पर लगातार बिना पलके झपकाए 15 सेकंड्स तक देखना है। और जब आप इस ग्रीन डॉट को देख रहे होंगे तब आपको ऐसा लगेगा कि इस वीडियो एनिमेशन में दिख रहे ये जो बाकी के 3 पीली डॉट्स हैं, ये गायब हो रही हैं। आपको बस पूरे फोकस के साथ यहां बीच में देखना है और फिर देखना कि ये बाकी की 3 येलो डॉट्स गायब होते हुए दिखेंगी। चलो शुरू हो जाओ। तो आपको ऐसा लगा कि बीच में देखने के दौरान ये बाकी के 3 डॉट जो हैं वो गायब हो रहे थे। मान लो कि आपके मम्मी पापा के रूम में 2 टेबल्स पड़े हुए हैं और आपको अच्छे से एग्जाम्स की स्टडी करने के लिए एक टेबल की जरूरत है, क्योंकि आपको बेड पर पढ़ने से नींद आने लगती है, तो आपको एक टेबल की जरूरत है। तो आप अपने मम्मी पापा के रूम से कौन सा टेबल लाओगे अपने रूम में? और हाँ, एक दिक्कत है, ध्यान रखना कि रूम का जो दरवाजा है वो काफी पतला है। अब बताओ कौन सा टेबल ले जाओगे? वेल, ये वाला टेबल। सीधा जवाब राइट, पर गलत जवाब। दोनों टेबल्स एक ही साइज के हैं। इस इल्यूजन को कहते हैं शेपर्ड टेबल्स। और हाँ, टेबल नहीं ले जा सकते तो जाकर बेड पर सो जाओ। अब आपको 3 फोटोज दिखाई जाएंगी। बारी बारी से तीनों ही फोटो में आपको जिस जानवर का मैं नाम कहूंगा आपको उसे ढूंढना है। मैं जिस जानवर का नाम बोलूंगा वो उसी तस्वीर में कहीं छिपा होगा और आपको उसे ढूंढना है। देखो, अगर सही से टाइम लेकर वीडियो पॉज करके तीनों तस्वीर में से तीनों जानवर को ढूंढ लोगे तो 3 पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। 3 पॉइंट्स। तो बस शुरू करते हैं। 25 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। ज्यादा टाइम के लिए वीडियो पॉज कर सकते हो। इस तस्वीर में एक चिड़िया छिपी है, गौर से देखो और पता लगाओ कि वो चिड़िया किधर है। चिड़िया इधर है। ओके, तो इस तस्वीर में एक घोड़ा यानी हॉर्स कहीं है, ढूंढो कि वो किधर है। घोड़ा इधर है और इस तस्वीर में छिपा है एक भेड़िया। फटाफट से पता लगाओ कि वो भेड़िया किधर है। We'll be right back.
वो भेड़िया इधर है। और अब आता है इस वीडियो का सबसे तगड़ा ऑप्टिकल इल्यूजन, जिसकी बात मैंने वीडियो की शुरुआत में की थी। पर आगे बढ़ने से पहले एक बात बता देना कि जो अभी आपने तीन तस्वीर देखे थे जिसमें छिपे हुए जानवरों को ढूंढना था, क्या वो आपको पसंद आया? मैं सोच रहा था कि मैं वैसी तस्वीरों की एक बिल्कुल अलग वीडियो बनाऊं। पूरी वीडियो सिर्फ वैसी तस्वीरों से भरी होंगी जिसमें काफी मजा आएगा। पर उसके लिए आपको कमेंट करके मुझे ये बताना होगा पहले कि आपको वैसा वीडियो देखने में अच्छा लगेगा भी या नहीं, जरूर बता देना। और अब आते हैं सबसे बेस्ट इल्यूजन पर। आपको ये बताना है कि आपको इस इलस्ट्रेशन में कितने जानवर छिपे हुए दिख रहे हैं। देखो, एक दो तो आसानी से दिख जाएंगे, जैसे घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली और ऑब्वियसली ये हाथी। पर मेरे दोस्त, इस इलस्ट्रेशन में छिपे हैं 16 जानवर, 16 एनिमल्स जिन्हें मैं भी ढूंढ नहीं पाया था। ये इलस्ट्रेशन पूरे इंटरनेट पर वायरल हो रही है, लोग इसे काफी शेयर कर रहे हैं। आप वीडियो पॉज करके आराम से ढूंढ लेना कि आपको कितने जानवर दिखे, और अगर 5 या उससे ज्यादा ढूंढ लोगे, क्योंकि 16 ढूंढना बहुत मुश्किल है, तो तुम्हारा एक पॉइंट बढ़ेगा फाइनल स्कोर में। ओके, तो मैं 5 सेकंड्स के अंदर सारे जानवरों को रिवील करने वाला हूं जो इस इलस्ट्रेशन में छिपे हुए हैं, ताकि आप आंसर को मिला सकें, लेकिन आप यहां वीडियो पॉज करके ढूंढ सकते हो। डैम, अब देखो सारे जानवरों के नाम और वो इस इलस्ट्रेशन में कहां पर है। तो दोस्त, क्या रहा आपका स्कोर, कितने पॉइंट्स हुए आपके? कमेंट करके सच्ची वाला पॉइंट बताइएगा जरूर। इस वीडियो में बस इतना ही। इसे अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें, ताकि वो भी अपना स्कोर बता सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पर याद से कर देना। ब्रो।